हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलन आर्ट। आज हम आपको लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए चोली हमने पहले से ही बना ली है। और यहाँ से हम इसका घेर बनाएंगे, जिसके लिए हमने दूसरा कलर लिया है। आपको जो पसंद हो आप कलर ले सकते हो। सबसे पहले हमें यहाँ पर 3 चेन लेनी है, फिर डबल क्रोशिया 1 चेन में डालना है, 1 चेन में 1 बार डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है, 1 चेन में 1 बार डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। अब देखिए, ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है और इसे हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। अब हमने यहाँ 3 चेन ली है और फिर पहली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में फिर से 1 बार डबल क्रोशिया और तीसरी चेन में यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। और इस तरह हमें दूसरा राउंड कंप्लीट करना है, पहली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में 1 बार डबल क्रोशिया और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए, अगर चोली बनाते टाइम आपको लगे कि ये थोड़ा सा खींच रहा है तो हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया डाला है, तो यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया डाल सकते हैं ताकि ये राउंड सही लगे। इस तरह हम 2 चेन में डाल देंगे डबल क्रोशिया तो ये हमारा राउंड सही हो जाएगा। अब हमने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं, अब तीसरे राउंड के लिए हम 3 चेन लेंगे, फिर पहली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर दूसरी चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर हम तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा खींच रहा है तो आप 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में की बजाय आप दूसरी चेन में भी डाल सकते हो। तो ये देखिए, हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर हमने 2 चेन ली है, फिर एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह आपको कैसे बढ़ाना है और कैसे घटाना है सिर्फ इतना ही याद रखना है। अगर खींचता है तो आप डबल क्रोशिया को 1 बार और बढ़ा दें। अब हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, ये देखिए। और यहाँ से हम तीसरा कलर लेंगे। अब हम सिर्फ सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1 चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया। इस तरह हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब हमने ग्रीन राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ पर मिरर वर्क किया है, एक हमने बना लिया है और दूसरा हम आपको बताएंगे कि कैसे करते हैं। इसे हम पहले यहाँ अटैच कर लेते हैं। अब हमें यहाँ से सुई निकालनी है। और यहाँ से निकालेंगे, फिर यहाँ से निकालेंगे,
फिर हम यहाँ से निकलेंगे, फिर यहाँ से लेंगे हम। इस तरह हम एक स्टार बनाएंगे यहाँ पर, तो यदि ये इस तरह बन जाएगा। अब ये देखिए हम यहाँ से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे ऐसे। अब ये देखिए ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इस तरह हम पूरे राउंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएंगे। ये देखिए हमने मिरर वर्क कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर जो हमने ये लगाया है वो हम आपको बताते हैं कैसे करते हैं। पहले एक वुलन का टुकड़ा ले लीजिए, फिर इसे इस तरह यूँ कीजिए, फिर इसे दोबारा ऐसे कीजिए, और अब इसका नाप कुछ इस तरह होना चाहिए। ये देखिए अब हम इसे यहाँ पर कैसे लगाते हैं ये आपको बताते हैं। तो यहाँ से इसे फिर हमें अब हम इसे ऐसे निकाल लेंगे और खींच देंगे, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हम आपको यहाँ पर दूसरा लगाना दिखाते हैं। पहले हम इसे फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से हम इसे ऐसे निकालेंगे यहाँ पर दोनों कांच के बीच। अब हम चारों धागों को इसमें से निकालेंगे। ये देखिए ऐसे बन गया। अब हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह ही कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम यहाँ पर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन में सिर्फ एक ही बार सिंगल क्रोशिया। ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब ये देखिए अब हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है सिंगल क्रोशिया से। अब हम बाजू में भी इस तरह करेंगे सिंगल क्रोशिया से। इस तरह दोनों साइड कर लेंगे हम। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको लड्डू गोपाल की ड्रेस अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।